आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डी ब्रोकली वेवलेंथ के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो डी ब्रोकली वेवलेंथ बेसिकली एक साइंटिस्ट थे फ्रेंच साइंटिस्ट थे नाइन एटीन नाइन्टी टू में से लेकर नाइनटीन एटी सेवन तक इन्होंने रिसर्च किया और इसके बाद इन्होंने इक्वेशन को ड्राइव किया है इक्वेशन क्या थी लेमडा इसकल टू एच एम वी इन्होंने ये इक्वेशन को ड्राइव किया कौन थे ड्रिबोगली वेवलेंथ इनको नाम दिया क्या ड्रिबोगली वेवलेंथ इसमें एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है एम हमारा मास है वी हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट बोल लीजिए या आप पार्टिकल्स बोल लीजिए ठीक पार्टिकल्स ये हमारी इक्वेशन ड्राइव की जो डी बोगली वेवलेंथ है ये बेसिकली किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ निकालता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ निकालता है ये इक्वेशन जो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसको लेमडा उसको एच हमारी वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट ठीक ये हमारा क्या है एक इक्वेशन थी डिबोगली वेवलेंथ कहते हैं अब इसका डिफिनेशन है व्हेन एनी लाइट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल अप्रोच रिलेस्टिविटिक लिस्टिंग मतलब होता है चेंज इन प्रॉपर्टी तब चेंज कर, कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को, को चेंज कर, कर देता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो उसका अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है मास चेंज कर देता है ठीक देन इट्स सो नेचर वेव नेचर देन वेव एसोसिएटेड विद मैटर पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव इसको मैटर वेव भी बोलते हैं अगर आपको डिफ्रेंसन आ जाएगी कि वाट इज मैटर वेव तो आप ये लिख सकते हैं वेन एनी पार्ट इट पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा अप्रोजिविस्टिको वेव नेचर वेव एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव एंड वेव लेंथ ऑफ मैटर पार्टिकल इज नोन ऐसा डी ब्रोकली वेव लेंथ ठीक जो हम डी ब्रोकली वेव लेंथ ये हमारी क्या है इसकी डिफिनेशन है एनी प्रोटोन विच इज एट रेस्ट उसका क्या होगा जो रेस्ट में होगी जो हमारा कोई प्रोटोन है जो अगर रेस्ट में है तो उसका मास क्या होगा जीरो होगा उसका क्या मास होगा जीरो होगा चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ठीक क्या कहेंगे प्रोटोन एस वी नो डैट एस वी नो डैट एस वी नो डैट प्रोटोन की क्या हो गई हमको क्या पता है इज e टू एच वी ई हमारी क्या है एनर्जी है प्रोटॉन्स की एनर्जी है एच हमारा क्या है एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है ठीक और वी हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है क्या है वी हमारा ठीक इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे इक्वेशन वन आइंस्टाइन इक्वेशन हम लोग को पता है आइंस्टाइन रिलेशन हम लोग को पता है क्या फॉर्मूला क्या होती है ईजक्वल टू एम सी स्क्वायर इसको हम लोग इक्वेशन टू मान लेंगे ठीक अब क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इक्वेशन वन प्रोटॉन्स ऑफ एनर्जी इज्कवल टू एच वी और रिलेशन लेन ईजक्ल टू एम सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या मिल जाएगा एच वी इजल टू एम सी स्क्वायर ठीक हम लोग को वी पता है वी की वैल्यू क्या होती है वी इज्कल टू सी अपॉन लेमडा होता है चार्ज होता है लेमडा हमारे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वी हमारी क्या है वेलोसिटी। ठीक वी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे विक वैल्यू प्रूट कर देंगे सी लेमडा इजक्ल टू एम सी स्क्वायर एक सी से एक सी कट जाएगा जो हमारी जो फॉर्मूला निकल के आएगा एच इसमा इसकल टू एम एम सी क्या होता है पी ठीक ओ और इसका फॉर्मूला इसको इस तरह लिख सकते हैं लेमडा इजक्ल टू एच अपॉन पी ये जो हमारी क्वेश्चन है ये हमारी क्या है ड्री ब्रोकलिप वेवलेंथ ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन एक एक आ गई ये हमारी इक्वेशन आ गई लम्डा इसकल टू एच अपॉन पी एच हमारा क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी हमारा एनर्जी है किसकी प्रोटॉन की ठीक बोर्ड एग्जाम में एक पूछ लेते हैं डी बोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सलेशन चार्ज पार्टिकल चलिए हम इसको हम लोग इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं चलिए हम लोग इसका फॉर्मुला ड्राइव करते हैं डी बोगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलेशन चार्ज पार्टिकल सपोज मान लीजिए सपोज अ चार्ज पार्टिकल अ चार्ज पार्टिकल पार्टिकल क्या है हमारे पास क्यू है मास दे रखा है हमको एम किसमें इस एक्सिलेशन फ्रॉम रेस्ट पोजिशन बाई अप्लाइड पोटेंशियल पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल मान लेते हैं हम लोग वी पोटेंशियल वी ठीक अब एनर्जी ऑफ एक्सलेशन चार्ज एक्सलेशन क्या के स्क्वेल टू क्यू वी इक्वेशन इसको वन मान लेते हैं हम लोग फिर क्या काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है के स्क्वर टू हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर तो के स्क्वर टू एम से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम हो जाएगा के स्क्र टू वन अपॉन टू एम आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर एम पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि एम वी स्क्वायर हमारा पी होता है एम वी स्क्वायर पी होता है तो स्क्वायर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा ये पी स्क्वायर क्या हो जाएगा हाफ एम पी स्क्वायर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन टू एम ठीक इस दोनों को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास टू एम के पी स्क् स्क्वायर हटाएंगे हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा पील टू अंडर रोड टू एम के हमारा पी की वैल्यू आ गई पीसल टू टू अंडर रोड टू एम के हम लोग को पता है डी बोगली वेवलेंथ डी ोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है हम लोग क्या होता तो है तो क्या टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया ठीक क्या किया पुटिंग वैल्यू वैल्यू ऑफ पी पी की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट कर दी कौन से डी बोगली वेवलंथ इक्वेशन में पुट कर दिया हमने वैल्यू अब क्या करेंगे हम लोग

तो लमडा स्क्वल टू एच अपॉन अंडर रूट इस क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे टू एम के की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन पर में देखिए क्यू वी तो क्या आएंगे क्यू वी यहाँ लिख देंगे ये हमारी एक फॉर्मूला हो गया ठीक ये हमारा हमारा क्या आ गया इक्वेशन आ गई किसकी आ गई डी ब्रोकली वेवलेंथ ऑफ एक्सलेशन चार्ज पार्टिकल्स ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया फर्स्ट आंसर आ गया ठीक अब हम लोग क्या करेंगे इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे एच की वैल्यू पुट करेंगे एम की वैल्यू पुट करेंगे क्यू की वैल्यू पुट करेंगे ठीक उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा उसके बारे में लोग देखेंगे ठीक है जो हमारा फॉर्मूला क्या आया लास्ट अभी लेमडा स्कल टू एच अपॉन अंडर रोड टू एम के क्यू वी ठीक ये हमारा अभी फॉर्मूला आ गया ठीक हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस एक, जो हमें हमारी इक्वेशन आई है निकल के इसमें हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे चलिए अब इस इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं तो एच की वैल्यू क्या होती है हमारे पास क्या है एच हमारे पास एच प्लैंक कॉन्स्टेंट प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर ठीक हमारी मास की वैल्यू क्या होगी हमारे पास नाइन पॉइंट वन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन ठीक और की, की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1.6 पॉइंट सिक्स की की वैल्यू क्या होगी पावर ठीक इट हम लोग लिख देंगे अब ये सारी वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इक्वेश इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये इक्वेशन मान लीजिए हमारे पास थ्री इक्वेशन है तो लमडा स्क्टल टू सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टन के पावर माइनस थर्टी फोर अंडर रूट अंडर रूट में क्या होगी टू हमारे टू लिख लेंगे एम की वैल्यू क्या है नाइन पॉइंट वन इंटू टेन के पावर माइनस थर्टी वन इंटू क्यू की वैल्यू क्या है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन के पावर माइनस नाइनटीन और एज इज वी को हम लोग एज इट इज लिख लेंगे ठीक इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 12.27 ट्वेल्व पॉइंट टू सेवन अंडर रूट वी वैल्यू आएगी ठीक अंडर रूट वी ये हमारी निकल आएगी लास्ट में ये हमारे पास सेकेंड आंसर निकल आया आंसर सेकंड सेकंड एंसर निकल आया ठीक अब इसमें एक जो लम्डक जिसकी लम्बक वैल्यू जो आएगी नैनो मीटर में आएगी ठीक अब यह बात एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हमारा मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो किस कितने इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटोन के तो एक बात याद रखिएगा आप लोग मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल होता है फोर इंटू मास ऑफ प्रोटॉन के ठीक ये हुआ और एक और क्वेश्चन पूछ लीजिए चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके कितने इक्वल होता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन के तो ये बात देखें चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल होता है टू 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन के ठीक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मास ऑफ अल्फा पार्टिकल फोर टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है ठीक और चार्ज ऑफ ये मास हो गया ठीक ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल होता है फोर टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है टू टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के ये क्या है चार्ज है ये फॉर्मूला बोर्ड में एग्जाम में पूछ लिया जाता है दो नंबर में या इसी डे, डेरिवेशन के साथ ही पूछ लिया जाता है ये जो हमारे इक्वेशन एक फॉर्मूला ये आगे निकल के और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया इस इक्वेश फॉर्मुला में चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू